हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कंचन। आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सिंपल रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ हम ऑन करेंगे गैस को। गैस ऑन करने के बाद हम कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई हल्का गर्म हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे तेल। मैंने यहाँ सरसों तेल लिया है। आप अपना कोई भी तेल यूज में ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तेल हल्का गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और साथ ही ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिल्ली। उसको मैंने बीच से हल्का चिरा लगा के ऐड किया है ताकि उसका हल्का तीखापन आ जाए। तो जीरा और मिर्च को यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें कटे हुए प्याज को। तो यहाँ हम अनियन को भी ऐड करके इस तरह फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, प्याज का जब तक कलर हल्का चेंज ना हो जाए। फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम लो ही रखेंगे। तो जब तक प्याज ना फ्राई हो जाए तब तक हम इसको इस तरह हल्के फ्राई करते रहेंगे और 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पे आप इस तरह छोड़ भी सकते हैं। तो हल्का कलर चेंज होने के बाद हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यहाँ पे ऐड किए हैं और प्याज के साथ इसको भी हम फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। फ्लेम हम धीमी से मीडियम में ही यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़े से मटर। मैंने सीजनल मटर लिया है, उसको भी इस तरह फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फ्लेम हम मीडियम तक ही रखेंगे, लो या मीडियम में हाई नहीं करेंगे। हाई करने पे आपका प्याज जल सकता है। और साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया टमाटर। यहाँ मैंने टमाटर को काट के रफली नहीं काटा है, मोटे में ही काटा है। इसको काट के हम यहाँ पे फ्राई करेंगे प्याज के साथ। तो इस तरह हम टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़े से नमक ऐड करके इसको मैं 2-3 मिनट तक ऐसे पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ मैंने 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया है और अब ऐड कर रही हूँ मसाले। तो मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड की है, साथ ही 1 छोटी चम्मच मिक्स मसाला है, सब्जी मसाला है, और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है कलर के लिए। तो सारे मसाले को हम 1-2 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लेंगे धीमी से मीडियम फ्लेम पे। अब ऐड कर देंगे इसमें ब्रोकली को। मैंने कोई तामझाम से नहीं बनाया है, रेगुलर जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया है, बहुत ही ईजी सिंपल वे में। 1-2 सामान से ही आपका ये बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। आप सिंपल वे में बना के देखिएगा। मेरे घर में कोई तीखा नहीं खाता है तो मैं ज़्यादा तीखा यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसको मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब ऐड कर देंगे हम इसमें नमक। अपने स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कीजिएगा। तो नमक को भी आप मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे ब्रोकली को गरम पानी पे बॉईल करके भी आप ले सकते हैं। 3-4 मिनट के लिए गरम पानी में बॉईल होने के लिए आप छोड़ दें। जब बॉईल हो जाए तो उसको छान के आप इस जगह मसाले पे आप इसको मिक्स करके इस तरह ले सकते हैं ताकि बाद में आपको ज़्यादा पकाना ना पड़े। तो यहाँ मसाला कोट हो चुका है तो इसको मैं ऐसे ही ढक कर, तो यहाँ पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर ढक कर मैं 8-10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाऊँगी। और यहाँ पे मेरी लाइट कट चुकी है तो जिस वजह से अंधेरा दिख रहा है, और सब्जी भी मेरी रेडी है। इसको मिक्स करके हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी है, अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी हिट कर लीजिएगा। और जो भी सजेशन हो कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारी ब्रोकली की सब्ज़ी रेडी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी बनी है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।